बीएचयू से हैं, रिसर्च करते हैं वहाँ पर, और किसान मुक्ति मार्च के सपोर्ट में हम सारे साथी बीएचयू से आए हुए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। जी, तो किसानों के क्या मुद्दे देख रहे हैं आप, आपको क्या लग रहा है कि इतना बड़ा जो मार्च हो रहा है तो आपको आने की इस एज ए स्टूडेंट क्यों जरूरत पड़ी? एज ए स्टूडेंट इसलिए आने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं वो भी एक किसान परिवार है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो ज़्यादातर छात्र हैं वो भी किसान परिवारों से हैं। आज के दौर में किसानों और छात्रों की लड़ाई बटी हुई नहीं है। आज के दौर में किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे छात्र हो, अगर वो छात्रों की भी फीस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि फीस जो है भरना जो अभिभावक है वो किसान है, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई एक ही है, चाहे छात्रों की हो चाहे मजदूरों की हो चाहे किसानों की। तो हम किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम उनकी मांगों के समर्थन में हैं कि उनका पूरा कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए, संवितन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसे पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए, और जो लागत है उसका डेढ़ गुना जो है समर्थन मूल्य होना चाहिए। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास है, बीएचयू से हूँ। जी, आपका क्या नाम है और ये आपका किसानों के मुद्दों पर क्या सोचना है, और सरकार के प्रति किसानों को बहुत यहाँ पे गुस्सा देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहना है? मेरा नाम आकाश है, और देखिए हम सब किसान परिवार से आते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमारी फीस बढ़ती है तो हमें समस्या होती है, क्योंकि हमारे पिताजी किसान, हम लोग को देने में समस्या होती है, और उस तरीके से सोचे तो हमारे किसान की आय उतनी है भी नहीं, हम लोग की लागत भी नहीं निकल पाती है। उसी के लिए सरकार ये भी कहती है कि हम फसल बीमा योजना के नाम पे, चाहे हमने आपके MSP बढ़ा दिया, क्योंकि हाथ में कुछ MSP बढ़ा के कुछ मिलता नहीं है, 100 रुपये बढ़ा के कुछ होता नहीं है। जब सरकार इस तरीके छावा देती है तो खुद दुख होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं और हमारे हम जिस सरकार को वोट दे के इसलिए आशा के साथ लेके आए थे कि बदलाव होगा और सरकार इस तरीके से छलावा करेगी हमारे साथ, हम युवा हैं, और जैसे अब देखिए कि नौकरियों से लेकर सारी चीज़ों में छलावा जो हो रहा है, जैसे SSC में गोटा पेपर लीक हो जा रहा है, लाठियाँ जा रही हैं, तो सारी चीज़ें किसानों से जुड़े, क्योंकि हम SSC जैसे और भर्तियों में किसानों के बच्चे आते हैं, हम लोग जैसे लोग आते हैं, चारों तरफ से छलावा होगा तो हम सरकार के खिलाफ गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने आए हैं। मोदी सरकार के सभी नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के लिए कह चुके हैं कि वो उनके सारे वादे पूरे हो गए, आपका क्या सोच है? देखिए ये तो देखने वाली बात है कि कितने वादे पूरे हुए हैं या फिर नहीं। मैं खुद बुंदेलखंड में एक महीना रह करके इस पे रिसर्च किया हुआ हूँ यूथ फॉर स्वराज के तरफ से, जिसमें मुझे लगा कि ये तो डेढ़ गुना MSP का वादा किए या फिर दोगुनी MSP का, दोगुना तो छोड़िए, जहाँ पर 4 साल से बारिश नहीं है, इन 4 सालों में एक भी फसल किसान बीमा आज तक उनके यहाँ पहुँची नहीं है, जब हर फसल पे उनके उनसे बीमा काट लिया जाता है लेकिन पहुँचता नहीं है, जो ये छलावा किया जा रहा है उसके खिलाफ सारे छात्र हैं और एक दूजित हैं, और हम किसान फैमिली से आए या न आए, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसके खिलाफ मैं देख रहा हूँ कि जिन किसानों के लिए हम पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं, समाज के जिस तबके के लिए हम पढ़ते हैं, वो तबका सरकार द्वारा इस तरीके से बेसहारा किया जा रहा है। तो हम छात्रों का एक बेसिक कर्तव्य है किताबों की बातों को हम अपने निजी जीवन में उतारे, क्योंकि ये हम ही कल होंगे जो IAS बनेंगे, नेता बनेंगे या तमाम क्षेत्रों में। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक, पूरा नाम कर्ज मुक्ति। ये दोनों समस्या किसानी जो एग्रीमेंट स्टेस है, तो इन दो मांगों का माना जाना बहुत जरूरी है, और सरकार मुझे नहीं है जो इन माने, और चूंकि चुनाव का भी समय आ रहा है, लोकसभा चुनाव आने पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है, जब किसान अपनी मांग लेकर दिल्ली आए तो मुझे जो किसान आंदोलन से उम्मीद है कि ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 237 किसान संगठन एक साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कॉलिशन कमेटी के बैनर पर, तो इससे जो फार्मर्स के बाद कॉलिशन बनना संभव हो गया, किसान की एकजुटता कायम हुई, उससे सरकार पर एक निश्चित रूप से दबाव पड़ने खा पा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उनको पैसा नहीं मिलता, वो अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, तो सरकार उनके साथ जो बुरा कर रही है, हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें और इससे हमारी जिंदगी, हमारी देश का बहुत ही अच्छा विकास होगा। जैसे डिमांड है जो
फार्मर्स एंड फैमिली आपको हम लोग अस्मिता थिएटर ग्रुप से हम लोग कल से फार्मर्स ये कोई पहली बार नहीं कि हम लोग फार्मर्स लड़ाई के साथ हम लोगों ने हमें लगता है कि जो फार्मर्स है ये सिर्फ फार्मर्स का मुद्दा नहीं मिलता हमारा भी उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनकी वजह से हम आज खाना खा पाते उन्हीं को नजरअंदाज सरकार कर देती है और ये हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनके दुख दर्द के साथ उनके सपोर्ट में हमेशा इसलिए हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर के सपोर्ट में फार्मर ने यूनिक किया और जो भी दामों पर सामान खरीद कर और महंगा बेचा जाता है उनके लिए निश्चित राशि दे दी जाए क्या इसी राशि पर सामान दे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मांग है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती उनकी अपनी पूरा अधिकार है वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए तो उनको इतना सहयोग क्यों नहीं दे पाते किसानों का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा हम सबका है उनकी परेशानी सिर्फ उनकी नहीं है हमारी है इसीलिए इतनी भीड़ यहाँ पर है इतने लोग उनके साथ है मुझे लगता है कि सरकार को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि हर मुद्दे में वो कहते हैं कि हम किसानों के लिए सब करेंगे उनको समाधान भी देना